बिना बेटे के क्या बेटी बच सकती है? क्या केवल बेटी बचानी है, बेटा नहीं बचाना हमें? आप लोग सोच के देखिए, बेटा गुनाहगार हर आदमी को रेपिस्ट बनाया हुआ है आज की तारीख में। आज ये देखें तो जो रेप के कानून लागू किए हैं, हर आदमी रेपिस्ट है। उनकी नज़र में, सरकार की नज़र में हर आदमी रेपिस्ट है। क्या आप अपने आप को रेपिस्ट मानते हैं? आप अपने आप को रेपिस्ट कहलाओगे, बलात्कारी कहलाओगे? यहाँ जितने लोग खड़े हैं जरा हाथ उठा के कहें कौन कौन रेपिस्ट है। कोई है रेपिस्ट आप में से? तो क्यों हमारे ऊपर ठप्पा लगाया जाता है रेप का? क्यों हमारे ऊपर ठप्पा लगाया जाता है दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाला? क्यों हमारे ऊपर ठप्पा लगाया जाता है कि हम घरेलू हिंसा करते हैं? क्यों हमारे ऊपर ठप्पा लगाया जाता है? आप अपने आप को रेपिस्ट जब तक मानते रहेंगे, जब तक सरकार की बात सुनते रहेंगे, तब तक आपके ऊपर अत्याचार होता रहेगा।